तो अगर आप सर्च कर रहे हो इंस्टेंट पर्सनल लोन यहाँ पे, और आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप एक सैलरीड नहीं हो या फिर एक सैलरीड हो और आप लोन ऐप्स के लिए सर्च कर रहे हो कि आपको जल्दी से लोन मिल जाए उस बारे में, तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आप ही के लिए वीडियोज़ है, इसमें क्या क्राइटेरियाज है लोन मिलने के, इसके बारे में बात करेंगे और लोन ऐप्स का रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि आपको कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और एक चीज़ और बताऊंगा कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो तो आपको जो लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम फ्यूचर में फेस करनी पड़ती हैं वो फेस नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, ठीक है। और एक मैं स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप किसी भी लोन ऐप से लोन लेते हो तो वो इंटरेस्ट लेती है, प्रोसेसिंग फ़ीस लेती है और आपको उसको रिटर्न करना ही होता है हर हाल में। अगर आप रिटर्न नहीं करते हो तो आपका सिविल डाउन होता है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ अर्न करते हो, कोई अगर मैं आपको अर्निंग ऐप सजेस्ट करता हूँ तो अगर आप उससे अर्न कर लेते हो तो आपको वो रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा वीडियो मैं ऐड कर रहा हूँ अर्निंग से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारा पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। तो मैं छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अर्निंग ऐप्स के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको किसी तरह के लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पर डे का अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और ये काफ़ी टाइम से दे रही है, लेकिन आपको शायद पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ, प्ले स्टोर पर एक ऐप्स मौजूद है जिसका नाम है ग्रो, ठीक है। तो ग्रो एक ऐसी ऐप्स है जो कि आपको कोई एक रुपये चार्ज नहीं लेती है और पर रेफ़र का आपको 100 रुपीज़ देती है, जिसको रेफ़र करते हो उसको भी और साथ ही साथ आपको भी। जैसे स्क्रीन पे मेरे देख सकते हो आप साफ साफ, इतना मैंने अर्न करा है, पर डे की अर्निंग है। और ये सारी अर्निंग देखो इनवाइट रिवॉर्ड से आई है मेरी, ठीक है। और इसको मैं इंस्टेंट विदड्रॉल भी ले सकता हूँ, आपके सामने मैं 1800 रुपये का विदड्रॉवल कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं विदड्रॉवल कर लेता हूँ, यहाँ पिन डाल देता हूँ मैं अपना और ये मेरा जो है विदड्रॉवल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने मैंने लाइव यहाँ पे विदड्रॉवल करके दिखाया है। और अब मैं आपको ये देखो लिखा है इनवाइट फ्रेंड एंड अर्न, ठीक है। और यहाँ से मैं किसी को भी रेफ़र कर सकता हूँ जी, रेफ़र में सेक्शन में जाके अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइनअप करते हो तो आपको 100 रुपीज़ मिलेगा, जिसके बाद अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप इसमें रेफरल लिंक के थ्रू रेफ़र कर सकते हो। आपके ऐप्स में ऑप्शन आ जाएगा रेफ़र का, जिसके बाद आप रेफ़र भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और विद इन 4 to 8 आवर आपके बैंक अकाउंट में भी पैसे आ जाते हैं अगर आप सक्सेसफुल रेफ़र कर लेते हो। उसके लिए बेसिक डिटेल लगता है, आधार कार्ड डिटेल, पैन कार्ड डिटेल और ई साइन लगता है सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी ऐप से आप स्टॉक, जिसमें आपको पर रेफ़र का 1000 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप जो रेफ़र करता है सिर्फ उसको मिलता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होगा। जो रेफ़र, जैसे कि आपने किसी दोस्त को रेफ़र करा तो आपका दोस्त जब अकाउंट एक्टिवेट कर लेगा तो उसके बाद उसको भी रेफ़र करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद वो रेफ़र कर सकता है और उसको 1000 रुपीज़ मिलेगा पर रेफ़र का। और यहाँ पे बस इसको फ़ीस देनी पड़ेगी 249 रुपये की, प्लस GST देना पड़ेगा, इतनी फ़ीस लगती है उसमें। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने टॉप 4 लोन ऐप्स के बारे में बताया है। और ये जो लोन ऐप्स है वो मतलब आपको EMI लोन देती हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए वर्किंग होती हैं और ये ज़्यादातर एरिया में होती है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहली जो है वो मनी व्यू है। जी हाँ, मनी व्यू जो है वो 10,000 से 5 लाख रुपए तक देने का दावा करती है और ये ज़्यादातर एरिया में वर्किंग है। और इसके लिए आपको ज़्यादा सिविल नहीं चाहिए, मतलब मिनिमम एक सिविल चाहिए जो कि नॉर्मली चाहिए ही चाहिए, 700+ सिविल चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन उनको चाहिए, ठीक है। सिविल चेक करेंगे, आपके पैसे चेक करेंगे आ रहे हैं कि नहीं, और आप क्या करते हो वो सब पूछेंगे, जो कि बेसिक डिटेल्स होती हैं। उसके बाद आपका लोन आपके सिविल के अकॉर्डिंग वो अप्रूव करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 6000 करे, 10000 करे, धीरे धीरे आप जैसे ही रिपेमेंट करते हो, जैसे ही आपका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ता है, उसके बाद आपकी लिमिट बढ़ाते हैं। दूसरी लोन ऐप्स की अगर बात करें तो वो है दूसरी नवी लोन ऐप्स। जी हाँ, नवी भी एक EMI लोन है और ये भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड में वर्क करती है अगर आपका सिविल स्कोर सही है और ज़्यादातर एरिया में जो मेन सिटीज़ में वहाँ पर वर्किंग है। और अभी बहुत सारे पिन कोड में अभी वर्किंग नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एरिया में ये वर्किंग है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जगह है और उनमें ये वर्किंग है। और ये एक इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, बट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जीरो इंटरेस्ट रेट पे दिया देगा। अगर आपको चाहिए ऐसा वीडियो तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखो, जिसमें आपको कम इंटरेस्ट या जीरो इंटरेस्ट में चीज़ें मिल जाती है। उसके पहले मेरा चैनल चेकआउट करिए।
तीसरी लोन ऐप्स की बात करें तो ये होम क्रेडिट लोन ऐप्स है, ठीक है। होम क्रेडिट भी आपको लोन दे देती है सेल्फ एम्प्लॉयड होने पर भी आपको सैलरी नहीं लेती है। उसके लिए आपको आपका सिविल सही होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए और नॉर्मली डिटेल्स पूछती है, चेक नहीं करती इतना ज़्यादा, बस आपका सिविल स्कोर की हार्ड रिकवरी होती है और ये होता है, ठीक है। तो तीसरी लोन ऐप्स है आपकी होम क्रेडिट। अब बात करें जो है वो चौथी लोन ऐप्स कौन सी है, ठीक है, चौथी लोन ऐप्स कौन सी है उसके बारे में बताऊँ मैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं चौथी लोन ऐप्स के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ब्रांच। जी हाँ दोस्तों, जो ब्रांच लोन ऐप्स है वो काफ़ी सही लोन ऐप्स है और इससे रिलेटेड कभी भी मेरे को कंप्लेंट्स ज़्यादा देखने को नहीं मिली हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये इसका नाम भी बता रहा हूँ। हो सकता है आपने पहले भी सुना हो, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉयड का वीडियो है तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड पे भी वर्किंग है, इसलिए इस वीडियो में आपको ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बताने वाला हूँ, जिसको आपको सुनना चाहिए। देखो यहाँ पर जितनी भी लोन ऐप्स प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पे आप छोटी सी लेके बड़ी ऐप्स रजिस्टर्ड, चाहे आरबी, जितनी भी लोन ऐप्स मैंने आपको बताए हैं वो सब आरबीआई रजिस्टर्ड है, आरबीआई के अंडर काम करते हैं। उन्होंने अपनी, जैसे मनी व्यू का देखोगे तो मनी व्यू के बहुत सारे एनबीएफसी पार्टनर्स हैं, तो आप जाके सर्च वेबसाइट उनकी देख सकते हो, यहाँ तक कि एलडीएआई का मेंबर भी है ये। तो यहाँ पे जितनी मैंने ऐप्स बताई वो सब आरबीआई रजिस्टर्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है जिसकी एनबीएफसी नहीं है, सबकी एनबीएफसी है, बट फिर भी ये आपका डाटा बहुत सारा लेते हैं, ठीक है। आप अगर आप इनका परमिशन देखोगे तो आपके डाटास को बहुत लेते हैं, बहुत सारी ऐप्स, सिर्फ ये नहीं कि लोन ऐप्स भी, बहुत सारी ऐप्स ये आपका डाटा लेती हैं। और जब आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो उस केस में आपको मेंटली वो हरेस करते हैं, जो कि इलीगल गलत है, हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर होती तो आप उसकी कंप्लेंट सही तरीके से करें। और ये वीडियो बनाया जाता है अगर आप सर्च कर रहे हो, वो ये वीडियो आप तभी देख रहे हो जब आपने सर्च किया इस चीज़ को, तो आप लोग सर्च करो, आपकी डिमांड पे ही वीडियोस बनाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इन लोन ऐप्स के चक्कर में आप मत फंसे, बिकॉज लोन ऐप्स जो है वो सोल्यूशन नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न भी करना पड़ता है। इससे अच्छा आप अर्निंग पे ध्यान दें। अगर आप लोन का टाइम से रिपेमेंट नहीं करते, आप अपना इनकम देख के नहीं लेते हो, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आपका सिविल स्कोर तक डाउन हो जाता है, या फिर फ्यूचर में आपको एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सोच समझ के मतलब ले, या फिर मेरे कहने का मतलब मना ले, अर्निंग पे जितना ज़्यादा हो सके फोकस करें। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया क्योंकि आप लोग सर्च करते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।